आप लोग कौन हो और मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? मुझे अपनी मम्मी के पास जाना है। बच्चन, कान में डंकी लगा रखी है, जोर होके कान के पर्दे फाड़ दिए इसने। तुम तो बड़े अच्छे बच्चे हो। देखो, अंकल ने तुम्हें डांटा तो मैंने चाटा मारा ना, है ना? डरो मत, तुम्हें कोई भी तकलीफ पहुंचाएगा, परेशान करेगा, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। क्यों? क्योंकि मैं बच्चों को बहुत प्यार करता हूं। हाँ हाँ बेटा, अंकल तो बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। देखो, अंकल की तो हाइट ही बच्चों जैसी है ना। कल हम तुम्हारे मेहमान थे, आज तुम हमारे मेहमान हो। देख क्या रहे हो, पहचाना नहीं मुझे? ओए पुत्र, उसी तो दे गड़ी अंकल आए। आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? अब काम की बात पूछी तुमने। वो क्या है बेटे कि मैंने तुम्हें इससे किडनैप किया है ताकि तुम्हें छुड़ाने वो अद्भुत शक्ति यहाँ आए और मेरे जाल में फंस जाए। अद्भुत शक्ति? नहीं अंकल, अद्भुत शक्ति तो मेरी दोस्त नहीं है, आपको कोई गलतफहमी हुई है। अच्छा, प्लीज अंकल मुझे यहाँ से जाने दीजिए, प्लीज अंकल प्लीज। तुम यहाँ से नहीं जा सकती जब तक वो अद्भुत शक्ति यहाँ ना आ जाए। अब कोई मुझे बचाने नहीं आएगा क्योंकि अद्भुत शक्ति मैं ही हूँ। अब मैं क्या करूँ? ओए रविंदर पुत्र, ओ किथे गया तू यार? ओए खाना तैयार है? वो इतना टाइम वेस्ट करा दिया मेरा, पूरे घर में ढूंढते ढूंढते। ओ रविंदर, ओए टिक्की। हाँ? ओ रविंदर किधर है? देखा? मैंने क्यों पता, पिछले एक घंटे से नहीं देखा मैंने उसे। क्या बात कर रहा है यारा? ओए मिक्की, ओ चिक्की। हाँ चाचू। हाँ चाचू। ओ तुम लोगों ने रविंदर को देखा? हमें नहीं पता, अपने रूम में होगा किताबों से चिपका हुआ, पढ़ाकू कहीं का। ओए एक रूम तो छोड़, घर के सारे रूम देख लिए, कहीं नहीं मिला। अरे ऐसा क्यों हो गया? वो ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ, अचानक कहाँ चला गया वो? यार आप परजाई जी आ जाएंगे और टेंशन बढ़ेगी। वीर जी, रविंदर कितने है, बड़ी देर से दिखाई नहीं दे रहा। आंटी पता नहीं रविंदर कहाँ है। हाँ हमसे चाचू भी पूछ रहे थे कि वो है कहाँ। वीर जी की कह रहा है, ये कितने है रविंदर? परजाई जी आप ना बिल्कुल मत घबराओ, पुत्र जो है ना यहीं कहीं खेल रहा होगा। ओ हो सकता है कोई शरारत कर रहा हो हमें परेशान करने के लिए ना। मैं ढूंढ के आता हूँ, आप टेंशन ना लो बिल्कुल, ठीक है? और परजाई जी इस बार मिल गया ना तो उसके कानों में उड़ देने मैंने अच्छे से। कितने होगा? जरूर मेरे नाल कोई शरारत कर रहा है, अभी देखती हूँ उसे। जो
देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या मंगवाया। भूख लगी है ना, आओ। किसी बात की चिंता मत करो, खाओ। जी कुछ पता चला? नहीं परजाई जी, सब जगह देख लिया, वो आसपास भी नहीं है। बाहर पुलिस का पैर है। ओ यार तुम लोग करते क्या हो? परजाई जी समझ नहीं आ रहा, चला गया तो कहाँ चला गया वो? क्यों दे पापा जी, पता नहीं रविंदर कितने हैं, वो नहीं मिल रहा। की? मेरा पुत्र गायब हो गया? तुम लोग क्या कर रहे हो? अगर किसी ने मेरे पुत्र रविंदर को उठाने की हिम्मत दिखाई है ना, तो धर्मपुरा से बाहर नहीं जाना चाहिए। सारे सड़कों पर कड़ा पहरा बिठा दो, बाहर नहीं जाना चाहिए। वो छूंगा नहीं उसे मैं। वाहेगुरु वाहेगुरु, मेरे पुत्र की रक्षा करना। ये दूसरी बार है जब किसी ने मेरे पुत्र को किडनैप किया है। अपने पुत्र को ढूंढने अब मैं खुद जाऊंगी। परजाई जी, परजाई जी, मैं भी आ रहा हूं। मैं रंजीत, मैं कौन हो सकता है जो रविंदर को किडनैप करने की कोशिश करता है? पापा जी मुझे लगता है। और क्या लगता है बकेगा? ये सब आप ही ने किया है ना, मुझे तो यही लगता है। मैं ना एकदम सही कह रहा हूँ, देखा आपकी नजरों को देखते ही मैं पहचान गया था, ये सब आप ही का काम है। अरे मारा ना चपेड़। तुमने कोई आवाज सुनी? हाँ बस, ऐसा लग रहा है जैसे कोई चल रहा है। आखिरकार वो अद्भुत शक्ति आ ही गई। मुझे तो नहीं दिख रही है बॉस। मुझे दिख नहीं रही है बॉस। नहीं दिख रही है, नहीं दिख रही ना, इसीलिए बोल रहा हूँ कि वो अद्भुत शक्ति यहाँ आ गई है। वो किसी को दिखाई नहीं देती, किसी को दिखाई नहीं देती, इसीलिए उसे अद्भुत शक्ति कहते हैं। सारा पिंग पोंग यही खेल लेगा बेवकूफ। अरे तो कब बाहर जाकर के खेलेंगे हम? बचपन में खेलते थे, टीचर मारते थे, और अब आप मार रहे हैं हमें। पता है अगर हम ठीक से खेलते ना तो आज नेपाल की टीम में होते। आप बचपन में नेपाल में थे क्या? अरे नेपाल में नहीं थे, मतलब नेपाल जाने के लिए पासपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती ना, और अगर हम इंडियन टीम में सिलेक्ट ना होते तो हम जो है नेपाल चले जाते और हमारा फ्यूचर एकदम सन्नी होता। सन्नी पाजी वाला? अरे गधे, सन्नी पाजी जैसा नहीं, सन्नी मतलब सूरज की तरह एकदम चमकीला, ब्राइट। तुम लोग चुप रहोगे कि नहीं? लल्लन अगर तू मेरा साला ना होता ना तो
खैर छोड़ो, तुम जाओ रविंदर को देखो खाना खाया कि नहीं। ठीक है बॉस। काले ना होने का मतलब है? का मतलब आप अपने सपने के चक्कर में ना ये भी भूल गए कि आप हमारे इकलौते जीजाएं और हम आपके इकलौते साले। आज तो रुको, आज तो दीदी को फोन लगा के बोलते हैं, दीदी जीजाजी ने हमें ना अपने हाथ की खुजली मिटाने के लिए रखा है। क्या करें, अरे हम तुम्हारे जीजा, तुम हमारे साले, हम तुम्हारे जीजा, तुम्हारे साले। बच्चा रूम में नहीं है। पर जाइए, काम करो आप ना, इधर देखो, मैं बड़े बाजार की तरफ देख। जी जल्दी। तेरी आंखें हैं ये मटक? तूने कहा बच्चा यहाँ नहीं है, ये क्या है? मैं सच कह रहा हूँ बॉस, ये यहाँ नहीं था। एक मिनट बॉस, मैं इससे पूछता हूँ, तू यहाँ था कि नहीं? नहीं, मैं रूम में नहीं था। देखा बॉस, मैं कह रहा था ना ये यहाँ नहीं था। फिर तुम कहाँ थे पुत्र जी? मैं तो सुसु करने गया था। कितने जाऊं, किससे पूछूं? किस हाल में जोगा मेरा पुत्र? भाई गुरु मेरे पुत्र की रक्षा करता। पुत्र जी, मैं आपका अच्छा गड्डी अंकल हूं ना, आपके लिए देखिए क्या क्या चीजें मंगवाई मैंने। आपने कुछ नहीं खाया? कुछ खाओ ना बेटे। नहीं, मुझे कुछ ही नहीं खाना है, मुझे अपनी मम्मी के पास जाना है। ओहो, मैं समझ गया आपको इतना गुस्सा क्यों आ रहा है। आप यहाँ अकेले पड़ गए हैं ना। तो चलो हम एक काम करते हैं, हम लोग एक गेम खेलते हैं। कौन सा गेम खेले, कौन सा? छुपन छुपाई। अच्छा चलो हम छुपन छुपाई खेलते हैं। ओहो जिज्जा, आप भी ना, और इस बच्चे के साथ में हम सबको बच्चा बनाओगे कहा? साले साहब, मेरा दिमाग लोमड़ी की तरह चलता है। हम ये गेम इसलिए खेल रहे हैं ताकि ये बच्चा खेल में उलझ जाए, वरना अगर इसने रोना धोना शुरू कर दिया तो हम लोग चुप कराते कराते पागल हो जाए। तू पागल होना चाहेगा? हम इतने पागल भी नहीं है कि हम पागल होना चाहेंगे। कितने चली गई, किस हाल विच होगी? तो मैंनू छटके कितने चली गई पुत्र? वाहेगुरु रक्षा करना मेरे पुत्र की, रक्षा करना। यहाँ छुपा छुपी खेलेंगे, है ना? चल छुप जाओ सारे। अरे छुपो सारे। टेन, नाइन, एट। ना ना ना, अरे उधर कहाँ जा रहा है? अरे घरे छुपने दे, जहाँ छुपना चाहता है। जीजा के हाथों से चाटा खाएगा तू, जाने दे। जा 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 जा। थ्री टू वन, छुप गए सारे। हाँ छुप गए। किधर है सारे, सारे किधर है? अच्छा साले साहब, यहाँ छुपे हो, निकलो। पकड़ा गया। आ जाओ आ जाओ, अब तुम भी आ जाओ, एक तो पकड़ा गया। आ जाओ तुम भी आ जाओ। अब रविंदर को पकड़ना है। रविंदर किधर छुपा है? तब रविंदर बेटे, तुम भी आ जाओ, ये पकड़ा गया, आ जाओ। जिज्जा, वो तो बाहर छुपा है। बाहर छुपा है? अरे पागल हो गया क्या? बाहर से तो वो भाग जाएगा।
भागो उसके पीछे, भागो। आज कैसा है ये चक्कर, कभी रावी कभी रविंदर। वीर जी कितने ढूंढे उसे। परजाई जी आप ना बिल्कुल मत घबराओ, हम ढूंढ लेंगे उसे। आओ आओ आइए देखते हैं। ओ ओ पाजी पाजी एक गल दसो। वीर जी एनु किते देखे है तुसी? ओ पाजी बोलो ना। नहीं जी नहीं देखे। ओ यारा परजाई जी आप हिम्मत रखो, ओ हम ढूंढ लेंगे। आओ मेरे साथ आओ। रविंदर कितने चला गया था तू? कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा तुझे, तेनू मेरी बिल्कुल चिंता नहीं है। क्या हो रहा है ये? अंजी माफ कर दो, गलती हो गई। वो हमारा रविंदर पुत्र इतना ही बड़ा है, सवेरे से घूम हो गया, हम लोग ढूंढ रहे हैं इधर उधर, नहीं मिल रहा। परजाई जी आप घर चलो, वो मैं ढूंढ लूंगा। परजाई जी आप मेरे पे भरोसा रखो ना, वो सवेरे से आप भूखी प्यासी बटा करी हो। परजाई जी अपना रविंदर पुत्र मिल जाएगा सानू, आप चलो। मेरी भूख प्यास तो वैसे ही उड़ गई है, पता नहीं मेरे पुत्र ने कुछ खाया होगा या नहीं, किस हाल में होगा मेरा रविंदर। तेरी वाह पापा जी, इतनी टेंशन में क्यों घूम रहे हो? हाँ आपको तो खुश होना चाहिए, हमारे रास्ते का कांटा ना अपने आप साफ हो गया, रविंदर गायब हो गया। ओए बेवकूफ, वो अपने आप गायब नहीं हुआ, उसे किडनैप किया गया और उसे छुड़ाने के बदले में फिरौती की रकम हमसे मांगी जाएगी। वो तो टेंशन की गाल है, हम फिरौती देंगे नहीं, और कह देंगे ओ भाई साहब ओए हमारे हालात तो खुद बड़े खराब है, खाने के लाले पड़े हैं, आपको फिरौती कैसे दे। बस ये सुन के ना किडनैपर गुस्से में आ जाएगा और रविंदर को खत्म कर देगा। ओए कम अकल, फिरौती के पैसे तो हमें देने ही होंगे, क्योंकि सारे धर्मपुरा में ये बात फैल चुकी है कि रविंदर किडनैप हो चुका है, और अगर हमने पैसे नहीं ना दिए तो पिंड वाले सोचेंगे कि जरूर कोई बात है जिसकी वजह से ना ये लोग रविंदर को नहीं छुड़ा रहे। ओ इसका मतलब है पापा जी किडनैपर का फोन हमारे पास आएगा, पैसे हमें ही देने होंगे। हेलो क्यों फोन किया, क्या काम है? जी पैसे चाहिए। किडनैपर का फोन है, पैसे मांग रहे। पापा जी पूछिए कितने पैसे चाहिए उसको, पूछिए। कितने पैसे चाहिए आपको? बस 3,775 रुपए। क्या क्या कह रहे हैं पापा जी, करोड़ 2 करोड़ रुपए मांग रहा है क्या? 3,775 रुपए। ओ तेरे की, ओ 3,775 रुपए मांग रहा है पापा जी, बड़े गरीब टाइप का किडनैपर है ये। ओ तू है कौन? जी आपके किराने वाला बोल रहा हूँ, महीने का राशन जाता है ना मेरे यहाँ से आपके घर में, तो हिसाब के लिए फोन किया था, पैसे कब लेने आ जाओ सरकार। ओए यही मौका मिला था तुझे फोन करने का, रख फोन। राशन वाला पापा जी एक बात बताऊं, इससे पहले के किडनैपर का फोन सच में आए ना, हम कालेश्वर जी को जाके ना सब कुछ बता देते हैं, क्योंकि वो ना किडनैपर को ढूंढने में ना हमारी मदद कर सकते हैं, वरना सारे पैसे ना हमारी जेब से जाएंगे। ये
घर का रास्ता किधर से है? घर का रास्ता किधर से है? उधर जाता है। अब परजाई जी, दो मिनट रुको तो आप। ना ना वीर जी, फिर जी मैंने रावी नु ढूंढना है। ओ परजाई जी, मैं आपको बात बता रहा हूँ ना, वो आपकी तबीयत देख रहे हो कितनी खराब हो गई है। वो दो मिनट रुको, मैं पानी लेके आता हूँ, ठीक है? इधर ही रहना। ए भाई गुरु, प्लीज मेरी मदद करो, प्लीज। अबे रुक, बदतरी तो रुक। कितने है पुत्र तू, किस हाल विच है? भाई गुरु, मेरी रक्षा करना। कभी रावी कभी रविंदर।